जय हिंद दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज टू के एक नए वीडियो में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है आपका भाई। सो दोस्तों, आज आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज टू में, जो देख सकते हैं हमारे बगल में सब सारे जो पिलर देख रहे हैं लाइट की, इस लाइटें कब स्टार्ट होंगी और लाइटों का कार्य कुछ बाकी है या नहीं और लाइट कब स्टार्ट होगी उसके नज़ारे आपको और एक लेटेस्ट अपडेट और आपको जानकारी मिलने वाला है इस वीडियो में कि लाइट की कार्यकाल कितना अभी बाकी है और लाइट कब तक स्टार्ट होगा पूरा नाइट में, कब तक भक्तों को देखने को मिलेगा पूरा नाइट में ये सब पूरा उजाला घाट का। तो आइए चलते हैं, कुछ लोग हैं जो इसके कार्य हैं, जो हेड हैं, इनसे बात करेंगे और जानकारी आपको लेटेस्ट और एकदम बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा और पूरा देखिएगा। भाई के चैनल पर नए तो भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के भी शेयर करना नहीं भूलेगा, ताकि आपका भाई ऐसे लेटेस्ट अपडेट और बहुत बेहतरीन जानकारियां आपको लेकर आए और आपको पास जल्दी से जल्दी पहुंचाए। तो आइए चलते हैं, बैक कैमरे से आपको दिखाते नज़ारे यहां का और पूरी जानकारियां देते हैं कि लाइट कब स्टार्ट होगी और लाइट का कितना कार्य अभी बाकी है। तो बने रहे लास्ट तक, आइए बैक कैमरे से दिखाते हैं पूरा नज़ारे आपको। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा सकूँ जो टंकी यहाँ पे हटाया गया है जल निगम का, उसके बाद इसमें कार्य बहुत तेज़ी से लग गया है, चालू हो गया है कार। और जो बताना चाहेंगे, जो बगल में दीवारें थी उस दीवारों पर देख सकते हैं चिरमिट्टी का पत्थरे जो है लगाए जा रहे हैं, डिजाइन से एक अनोखी रूप दिया जा रहा है पूरा दीवारों को। तो जो पुरानी दीवार है उसमें भी लगाया जाएगा, पर नीचे से ये स्टार्ट किया जा रहा है कार। और देखना, ढलैया का भी काम जबरदस्त तेजी से हो रहा है और स्टार्ट हो गया है, तो आगे भी चलेगा भाई दिखाएगा। पहले सबसे पहले आपको लाइट की जानकारी देते हैं, क्योंकि लाइट के लिए ही स्पेशल वीडियो बनाए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि लाइट में और नाइट में उजाला पूरे घाट में और लाइट का कार्य कब स्टार्ट होगा। तो आइए चलते हैं, बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए पूरा जानकारी आपको मिलने वाली इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करेगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा कैसा रहा वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा भाई। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो भाई को एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मैं पाँचों पिलर दिखा दूँ लाइट का, देख सकते हैं ये चारों पिलर जो आपको देख रहे हैं, ये तीनों पिलर में, ये एक बगल में इधर है, तीनों पिलर में अभी लाइट ऊपर चढ़ी गई है और बीच वाले पिलर में अभी लाइट नहीं चढ़ी है। तो देख सकते हैं शायद इसके वजह से अभी लाइट ना चालू हो। आइए पूछते हैं जो यहाँ के हेड हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि लाइट अब तक कब तक चालू होगी। और सबसे पहले मैं आपको चारों बगल का नज़ारा दिखा दूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बता चुका हूँ कि आज है मंडे, आज है सोमवार, आज भक्तों की भीड़ थोड़ी ज़्यादा दिखेगी यहाँ पर। आज दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ थोड़ा ज़्यादा दिखेगा आपको, यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। तो भाई ऊपर भी चलेगा, जो मेन गेट है विश्वनाथ मंदिर का वहाँ भी चलेगा, वहाँ दिखाएगा कि आज भीड़ है तो भक्त लोगों को कैसे दर्शन मिल रहे हैं, क्या इस प्रकार दर्शन, और धूप भी थोड़ी ज़्यादा है तो धूप में कैसे दर्शन भक्तों को मिल रहा है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको नॉलेज मिल जाएगी और जानकारी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको लाइट की। तो आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं और पूछते हैं लाइट का भी स्टार्ट होगी और लाइट का भी कितना कार्य बाकी है। सो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी दोस्तों को बता सकूं कि लाइट के सारे तो चढ़ गए हैं, लाइट तो सारे बन गए हैं, मगर कुछ कार्य अभी जो यहाँ पे बता रहे हैं लोग हैं, जो यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं जो लोग हैं वहाँ बता रहे हैं कि पैनल रूम का थोड़ा सा कार्य बाकी है। लाइट तो सारी बन गई है, लाइट तो सारे चढ़ गए हैं, लाइट तैयार है अभी थोड़ा बहुत, जो ये बीच वाली लाइट है जो इधर से सेकेंड नंबर की लाइट है उसमें बस थोड़ा सा कार्य है जो अभी आज ख़त्म हो जाएगा। देख सकते हैं ये कर भी रहे हैं और आज ख़त्म हो जाएगा आज ये लाइट का कार्य, और ये आज चढ़ भी जाएगा। तो बस थोड़ा सा पैनल रूम का काम है, देख सकते हैं इधर तीन और इधर दो, पांच लाइटें हैं जो अभी लग रही हैं। तो थोड़ा पैनल रूम का जो कार्य बता रहे हैं, पैनल रूम जैसे ही तैयार हो जाएगा बन के, पैनल रूम में अभी एक से दो दिन का काम है, पैनल रूम जैसे ही बन के तैयार हो जाएगा तो लाइट स्टार्ट हो जाएगी शाम को भक्तों के लिए, तो भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। तो शाम का भी लाइट का जैसे स्टार्ट होगा वैसे भाई आपको लेकर आएगा, इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देगा। तो देख सकते हैं लाइट का नोट, ये था इन्फॉर्मेशन आपका लाइट का कि लाइट अभी का एक कम से कम ये दो से तीन दिन लगेंगे लाइट स्टार्ट होने में। सारे बन चुके हैं लाइट्स, बस पैनल रूम का थोड़ा सा कार्य भी रह गया है, तो एक से दो दिन में लाइट सारी स्टार्ट हो जाएंगी घाट की, और देखने भव्य नज़र लगी सब जगमगाता हुआ घाट आपको एक से दो दिन में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं आगे, और ऊपर आपको जो मैं बोला हूँ ना कि अभी धूप है और आज है मंडे और आज भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो भक्तों को कैसे कैसे और किस प्रकार मेन गेट पे दर्शन मिल रहा है उसके नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, इधर से भी दिखा दूँ, जो पंप टूटा था उस पंप का जिक्र, ढलैया जोरों से स्टार्ट हो गया, ढलैया का काम जो जोरों से तेज़ी से हो रहा है देख सकते हैं।
और जो बगल में दीवार पे देख सकते हैं पत्थर लगाए जा रहे हैं, जो चुनार की चीनी मिट्टी पत्थर वो लगाए जा रहे हैं। और इधर देख सकते हैं जो थोड़ा दीवार गड़बड़ थी उस दीवार को तोड़ कर हटाया जा रहा है, और इस पूरे दीवार को नया बनाया जाएगा, एक अलग प्रकार से रूप दिया जाएगा। देख सकते हैं सामने ढलैया का काम बहुत तेज़ी से जोरों शोर से, हमको लग रहा है कि आज शाम तक पूरा ढलैया ख़त्म हो जाएगा। ढलैया का कार जैसे ढलैया कार ख़त्म होगा और फिर उसके ऊपर से लगाया जाएगा पत्थर, पत्थर भी लगाया जाएगा, पूरा भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। और जैसे नहीं ये लाइट पूरे ये लाइट के नज़ारे जो आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं इस पिलर में लाइट नहीं है, बस ये लाइट यहाँ पर लग जाएगी, इस पिलर में लाइट नहीं है, लाइट लग जाएगी वैसे ही। और दो दिन बाद आपका लगभग में हमने दो या तीन दिन में स्टार्ट हो जाएगा लाइट। तो आइए चलते हैं दिखाते हैं आगे के नज़ारे मेन गेट। जैसा कि मैं आप लोगों को दोस्तों दिखा सकूं, ये सामने है मेन गेट जो गंगा द्वार से आप आएंगे तो ये मेन गेट सामने विश्वनाथ मंदिर का देखने को मिलेगा। तो ये धूप के लिए लगाया गया है, कर दें तो आइए चलते हैं आगे। सामने आपको देखने को मिल रहा होगा काशी विश्वनाथ मेन मंदिर। और ये बगल में श्री चंद्रगुप्त महादेव मंदिर है। सामने दोस्तों देखने को आपको मिला होगा चलो, और यहाँ पर पूरी व्यवस्था के साथ जाए भक्तों को छोड़ा दिया जाता है। लाइन व्यवस्था के साथ यहाँ पर देख सकते हैं छोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों सामने आपको मेन गेट के बगल में ही देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त महादेव मंदिर है जो ये भोलेनाथ का, और सामने नंदी जी महाराज आपको देखने को मिलेंगे। और इधर से आपको दिखा दूं मंदिर के जैसे ही बगल में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, सामने आपको जैसे ही आएंगे वैसे देखने को मिलेगा शौचालय, जो ये बहुत बढ़िया कार्य है। इधर शौचालय भी बनाया गया है, देख सकते हैं ये सामने लिखा हुआ है शौचालय टॉयलेट, जो कि अभी बंद है, ये चालू कर दिया जाएगा, पूरा शौचालय रहेगा। इधर तो पूरा शौचालय ही बनाया गया, ये लेडीज़ जेंट्स दोनों अलग अलग शौचालय बनाए गए हैं, तो बहुत बढ़िया बनाया गया व्यवस्था। जैसे ही मंदिर बैद्यनाथ भवन के ठीक सामने ही है आपका शौचालय, तो आइए चलते हैं आगे। आगे भी चल के कुछ नज़ारे देखे, तो भाई के वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों, बहुत सारी जानकारी और नॉलेज मिलता है आप लोगों को। और दोस्तों आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है भाई लोगों से कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दिल से भाई बोल रहे हैं शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो ये पूरा नज़ारे देखे आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो आइए चलते हैं, यहीं से देख सकते हैं ये शौचालय इधर से भी है आपको दिखा दें। ये मैं बताया जैसे कि आपको पूरा शौचालय देखने को मिलेगा, ये पूरा शौचालय ही है, वहाँ से यहाँ तक पूरा लंबा शौचालय बनाया गया है। तो आइए चलते हैं, यहीं से वीडियो करते हैं क्लोज और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पे। सो दोस्तों आपका भाई यही जगह से वीडियो करता है क्लोज और आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट प्लेस पे। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो लाइट की सूचना थी और इधर लेटेस्ट जानकारी जो मिली आपको
हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलते हैं, यहीं से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।